एक बहुत बड़ा पंडित जगत गुरु शंकराचार्य जी एक बार मंदिर बनावा के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, तो वे एक मंत्र की रचना करी और एक रात में सवा घंटा के लिए एक पहर के लिए सोना की बरसात हुई। कनक दारा स्तोत्र वो दुर्गा सप्तशती में भी आवे आपने वह मंत्र बनायो और भी से सोना की बरसात हुई। मेरे खड़ा होता ही भी 13,800 आया है, मने यह लागे छोटी मोटी सकड़ाई अमास्या में भी आवा लगी है। तो भाव यहां बनायो राखियो जो मेरो वहम बनियो रहे। हाँ अब देखो कोई मंडाएगा देरिया भी है के हिसाब तो आपका आनंद है, कुछ चीजा बहुत जरूरी भी है। ऐसी आनंद की 2 मिनट वार्ता और सारो आत्मीय परिवेश है, सारो वातावरण जितेंद्र भाई जी सक्रियता से लाग रहा है, पंकज भाई, पंकज मोयल है, सब लोग थाती है अपनी सारी। और एक और है मैं सारी आज मैं फिल्म में एक एक मिनट ऑब्जर्व करूं हर श्रोता ने, तो जब दिनेश भाई भी नाना पाटेकर जी बोली कांडी ने बी टेमो मनोज नादी भाई है जो जय उछले है भाई। मने लागे के गराई में भी माउस ने पूजा आती हो सी नाना पाटेकर। तो ठीक है भैया, वो अपने राजस्थान को नाना पाटेकर, वो एमपी को नाना पाटेकर, वो बापड़ो बंबई में झूठो ही दुख पा रही। जिका आनंद है चीजा परिवर्तन होनी भी चाहिए। आपने जिया एक बड़ी पीड़ा है मेरे भी कि जिया दिनेश भाई बतायो जी भी जनगण मन में अपने राजस्थान को नाम को नहीं आवे भी आई। मेरे पीड़ा आ है कि आपने राजस्थान को एकमात्र राज्य त्योहार है गणगौर, गणगौर खाली राजस्थान में ही हो है, और मैं चारू मेरा हांडा और कड़े जाने ही को नहीं ईश्वर क्यों है गणगौर क्यों है मन बेरे को नहीं बापड़ा भगत कता ईश्वर हो जाए जी साबू भी सोई। ईश्वर ने मान ले ईश्वर बत सोचा भाई भगवान तो से कोई होवे 33 करोड़ तक भी चले जो बन बेरो ही कोनी भी चीज। आपना गणगौर आवे मार्च में भी टेम बोर्ड की परीक्षा रहे 10वीं 12वीं की, पूरा राजस्थान में सौ ज्यादा टीचर्स है नर्स है बा अपने शेखावाटी सही है ना भी टेम बा बापड़ी गणगौर दो कौन सके भाई सुबह 7 बजे परीक्षा दिरवाबा जानो और भी टेम बा गणगौर। तो कभी तो अब तो निष्पक्ष होवे मां कोनी को बीजेपी गड़बड़ कर रही है कांग्रेस कर रही है, मां को दोनों गड़बड़ कर रहे हैं मोदी जी राहुल जी दोनों ने बेरो है कि आपने घर में तो गणगौर दुख है कोनी। अरे वाह 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 तो और दूसरा सुख से किया धोख ले नहीं तो आपने भी गणगौर की छुट्टी होनी चाहिए वो लोहड़ी पर वो अवैरबी की छुट्टी आपने क्रिसमस डे की छुट्टी बा आपने के गुणा हो भाई भी दिन पड़िया रो घर वाली आप सब्जी मंगवा लिए शाम की पी सुनो रखे वहां तो ही गुणा बस और के मतलब तो ए ताली भाई बजारिया जी का मां बीत रही है छानो रह को नहीं पीसना नहीं बात पर भाई से राजी है। सारा आनंद है और मस्तिया तो कणकण में बिखरी पड़ी है भी सारा भाव नहीं आपा जीवा। एक और है कि आप सब पॉजिटिव लोग हो जो एक लोगा को सहयोग आ रही हो राशि कत्ती भी हो पर कत्ता लोगा को भाव है आल तो आया ही जाशी भाई जी मैं तुम्हें बता रही हूँ। नहीं तो मारे तो बड़े गांव में निगेटिव बहुत है, कोई भी शुभ काम करा जागरणों भी करा वहां ना एक आधो तो मोला में ला दे यार के मतलब है रात ने कान खा शीर में माइक बजा शीर दाम ले जाए शीर सुबह पूरी रात सौन कौन दे रही है मतलब यह रात रात में के धृतराष्ट्र आरोसो काम कर देसी भाई तू बढ़िया बढ़िया। हाँ जी को जिकी पीड़ा है वो मारे गांव में तो एक तो अब तो निगेटिव है वो गांव का निर्णय वो करियो कि यार इन्हें मोलाऊं परे काटो जब भी का घर गांव 4 किलोमीटर दूर जोड़ा बसा दिया पर दिक्कत आ के बठे गांव का मुसान मारे अब कोई भी मरेर बठे जाहिर वो तो खट दरुजा के बारे आ ले। निगेटिव आदमी का हर बात में भेम रहे बिको पहलो प्रश्न आई रहे वो बिके भेम रहे हर चीज में वो कोई गांव में डोकरी चली रही गांव का गया यार वो खट बारा आ लियो बोलो भाई जी मरली के बोले जी मरली तो बोले यार थे तो धीरे धीरे यहाँ चाल रिया हो यहाँ डर रहा हो जी मुर्दा जी धरण टलती हो मतलब बिन तो कमी काटनी समय मनेक ने कोई और गुजरियो जहां गांव का सोचा यार बेगा चालो नहीं वो जू धरने रे बाता करेगो अब के तावड़ा तावड़ा चालिया वो खट दरुजा पर आलियो बोले भाई जी मर लियो के बोले जी मर लियो बोले थे यार मन यहाँ बताओ थे तो यहाँ उतावड़ा उतावड़ा जा रहा हो यही बाजे ही जा रहा हो जहाँ लागे लेर की लेरी एक और ले रहा हो। बढ़िया बढ़िया बिन तो छेबी करनी आग लाके अब के डेढ़ एक महीना पद से कोई 30 रो डोकरो गयो जा गांव का सोचा बोलो ही मना चुपचाप ही निकल चालो बब्बी का ग्राउंड चुपचाप ही निकल राम नाम सत्र बापड़ा क्यों ही को नहीं बोलिया मुर्दा के भी बेम हो गो जी सही जगह ले जा रहा है कोर के कृषि पर वो तो पका का खुड़का से ही आ लियो
बोले भाई जी वो मर लियो जी। बोले जी मर लियो। बोले यार एक बात थे मैंने सही सही बताओ थे वो एक ही लिया फिरो हो कोई ताजा भी मारो हो। अरे वाह वाह वारिस। तो जिकाने माड़ी करनी वो करनी। अरे बड़ा रे मारे गांव में सेठ जी है बिरोड़िया जी मकान बनायो को 1.5 करोड़ लगा नांगल आ रहे दिन बामन का पंडित जी का बेटा ने बुलायो वो जा रही होगा। बोले भाई आओ पग फेरो ही करे मारे तो वो निगेटिव वो मकान देखो। बोले शेठा के बेडरूम लॉबी किचन लेट बाथ स्विमिंग पूल गार्डन कमाल ही कर दियो शेठा पर निगेटिव आदमी तो कमी काटे। बोले शेठा थे मेन गेट बहुत छोटो राख्यो काल ना कर मैं मौत वो तो जाए तो अर्थी काट में दिक्कत आ सके। नांगल के दिन सोन सामन आग लागा बुनी बट्टा है। वाह 15 दिन ने भी को बापू मिलियो बाजार में ना वो शेठ होड़ मोदियो। बोले यार थर्डो भाई तुम्हारे तो सोन सामने मिनखा मैं मेहमाना मैं बात कर गो। वो बोले जी मैं आशियो वो टाबर है भी नहीं के बेरो माश। वो 2-4 दिन आयो वो देखियो बोले शेठा का बेटा नाम ही कर दियो भाई आशा पासा का 20 गाँव में ओड बड़ो मकान नहीं है। अरे मार डो तो वो टाबर छोटो है जी मैंने सही अंदाज ही को नहीं बिरो पटाए एक मान लो मर जाए तो आदमी दुख सुख पार काल डे पर शेठा थे ही बताओ 2 सागे मर ले जब तू दरोजो छोड़ो पटाए बिन तो कमी काट। अरे वारिस वाह। वो 15 दिन ने बाकी दादी मिली भी पोता की दादी भी जब वो बोलियो माँ जी थर्डा बेटा पोता दो मारे माँ आ करीबा। बोली भैया माँ आशु मैं कोई तावड़ा में दौड़ा थोड़ी करे मैं देख सो तू विचार बना करे बाणिया का बेटा ये मत करे जी छोटो मत करे बा आई बा देखियो। बोलियो भाई शेठा का बेटा नाम ही कर दियो भाई ओड बड़ो मकान 4 बरात सागे उतार दियो चाहे अरे मालडा बेटा पोता तो बदाऊ रे पानी के लेन देन एक मरे 2 मरे 4 मरे सगड़ा घर का मरे तो भी क्यों ही नहीं आवे आडो। अरे आपका मुर्दा साफ तो नहीं कटे तो अगला कट काट कट काट काटो मतलब। अरे वारिस वाह वाह वाह। तो आप बहुत पॉजिटिव लोग हो नहीं तो ये निगेटिव है तो बड़ो कार्यक्रम हर वर्ष संयोजित हो जानो सारी चीजा हो जानी आई के लिए आपका समर्पण न प्रणाम है और बी के बाद जो रक्तदान को पावन पुण्य कार्य आप करियो हो बी के लिए बहुत बहुत भाव है। एक छोटी कविता मैं समापन पर सुना दी हुआ मैं तो संचालन में भी खूब बोलियो मैं भी दिनेश भाई से कोई 1.5 साल बाद मिले उसी है ना तो मेरो भी मन है कि माने भरपूर आपा सुना और भी पछे एक समापन की कविता के साथ आपा भी कर लेगा मतलब थारे में 10-20% जगह लोग गया बा के लिए मेरो बहुत सम्मान है। पहले तो जब कोई हाल रहा ही नहीं है मैं सोचो यार नहीं जासी तो आपा करा किया जासी। तो अब थार से भी वही निवेदन है कि ज्यादा भावुक मत तो एक एक दो दो कर थे भी जाता रहो पछे मैं भी जाता। और सरपंच जी ने गाँव का मिलकर घर छोड़ कर आओगा वो थारो दायित्व प्रैक्टिकल बात है भाई। हाँ, तो है और यहाँ का हसमुख और मिलन सारम ऐसी मजाक की हजार बात है पर यहाँ का समाज सेवी सरपंच आपने मिले नहीं तो हर बार चुनाव का खर्चा क्यों कराओ एक बार गादड़ पटोई चेप दियो नहीं यार उम्र को कहीं तो ओ सोरो रहे काम। और अब हंसी आनंद मस्तिया के लिए एक बार सबको मन हो तो जोरदार ताड़िया के साथ भाई दिनेश देसी जी ना आप।